बच्चे नहीं हुए थे, ये तब का एपिसोड है। तो हम ऐसे एक बार घूमने चले गए अपनी गाड़ी से शिमला, और जब हम शिमला से लौट रहे थे तो ऐसे हमने गुरुजी के शब्द लगा रखे थे और हाँ, मैं सुन रही थी और हम आराम से बड़े मजे से बातें करते हुए आ रहे थे। तो एकदम से सडनली पता नहीं क्या हुआ कि कोई डाइवर्जन बीच में रोड के आ गई, और जिसके बारे में कोई नोटिस ना तो पहले लगा रखा था ना आगे लगा रखा था। तो एक बहुत जायंट, हम मतलब एक फुल स्पीड पे हम चल रहे हैं, और हमारे इधर लेफ्ट साइड के ऊपर एक बहुत बड़ा सा, एक वो क्या कहलाता है, डंपर टाइप का था, मुझे नहीं पता, कोई अर्थ मतलब मूवर अर्थ टाइप मूवर का। टाइप की एक हमारे साइड में चल रही है, और एकदम से जस्ट लेस देन 100 मीटर्स हमारी आंखों के आगे एकदम से एक बहुत बड़ा ट्रक फुल स्पीड के ऊपर एमर्ज किया। उसने पता नहीं कैसे डाइवर्जन ली, उसको पिन करना, उसके 3 डॉट्स में जाके, तो वो एकदम से वो जो ट्रक था, और 100 मीटर्स की हमारी दूरी, हम फुल स्पीड पे चल रहे हैं, हमारे पास देर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ यू नो गोइंग आइदर लेफ्ट राइट, तो खैर वो डिवाइडर बना हुआ था वहां, तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो मैं हमने एकदम से बोला मतलब जय गुरुजी हमने बोला, और हमें नहीं पता कैसे इन अ स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड, जिस सिर्फ वो एक स्प्लिट सेकेंड की कैलकुलेशन थी, इन्होंने गाड़ी को इतनी स्पीड दी कि बिफोर वो ट्रक और ये जो हमारे साइड में जो दूसरा डंपर टाइप की जो चल रही थी, सिर्फ उसमें एक स्प्लिट सेकेंड का हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली, इन्होंने स्पीड दे के गाड़ी को लेफ्ट काटा और उसके आगे लिया। एंड इट वाज, मैं सच बताऊं, इट वाज अ मिरेकल। अगर मैं अभी भी उसको रिकॉल करती हूँ तो मुझे घबराहट हो जाती है कि वो पता नहीं हम कैसे उस मोमेंट में बचे, और वो इतनी जोर से, जितने लोग उस सड़क के ऊपर थे वो इतनी जोर से चिल्लाए कि मतलब तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वी हैड नो अदर चांस टू सरवाइव। वो एक सेकंड की बस कैलकुलेशन थी जिसमें गुरुजी ने इनको वो बुद्धि दी और हमने वो गाड़ी निकाली, अदरवाइज वी वुड हैव बीन आई टेल यू मतलब कुछ भी ना बचता हमारा, हम तो क्या बचते, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, हम बिल्कुल ही सब कुछ खत्म होने वाला। तो दैट वॉज वन मोमेंट विच आई रिमेम्बर कि गुरुजी ने हमारे ऊपर मतलब उस इंस्टेंस में हमको बचाया गुरुजी ने। और एक जो और बहुत ही इम्पोर्टेंट आई वुड से इवेंट है, एक बात है जो मैं जरूर शेयर करूंगी। एक बार ऐसे आकाश अंकल और मैं एक हम गेट टुगेदर में गए हुए थे, वो इनके स्कूल की एलुमिनाई मीट थी, हम वहां गए हुए थे, और जैसे कि होता ही है सब डांस वगैरह चल रहा था, सब इंजॉय कर रहे थे, इंडिया हैबिटेट की बात है वहां। और सडनली इनको पता नहीं क्या हुआ, ये वहां पर जाके कोने में बैठ गए चुपचाप। तो मैंने इनके पास जाके पूछा क्या हुआ, बोले कि नहीं कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन फिर मैंने बोले कि मैं थोड़ी देर बैठूंगा और मैं फिर आ जाता हूँ, आई विल ज्वाइन यू बैक, यू पीपल एंजॉय। तो मैं थोड़ा वापस चली गई, लेकिन वहां से मैंने एक नजर रखी हुई थी कि इनकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, और थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि ये उठे और ये चल रहे हैं, लेकिन ये मतलब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, सीधा नहीं चल रहे हैं। तो मुझे एकदम चिंता हुई, मैंने कहा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एंड दैट वेरी मोमेंट ही काइंड ऑफ लाइट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड ही प्यूक्ड, एंड दैट वॉज वेन हिज फ्रेंड, यू नो एक वहां पे इनके एक फ्रेंड थे हैं जो कि वो गंगाराम में डॉक्टर हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, वी शुड इमीडिएटली रश हिम टू द हॉस्पिटल। ऑल्दो ही केप्ट सेइंग कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, ये है वो है, थोड़ा दर्द हो रहा है ऐसे, बट उन्होंने कहा कि वी विल नॉट टेक अ चांस, अगर कुछ भी नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि घर चले जाएंगे वहां से, कोई बात नहीं है। तो एब्रप्टली वो पार्टी एंड हुई और इनको लेके हम उन्हीं की गाड़ी में हम गंगाराम पहुंचे, एंड थ्रू आउट द यू नो व्हाइल वी वर ट्रैवलिंग उन्होंने सारा कुछ वहां पे कोऑर्डिनेट कर लिया पहले से ही,
इमरजेंसी में, और पूरे इनके जाते ही वहां पर इनका ईसीजी हुआ जो कि बहुत ही खराब आया, और डॉक्टर ने कहा कि भाई इमीडिएटली इनकी सर्जरी सजेस्ट करी उन्होंने कि भाई हम इनको ले जाते हैं, और तब तक हार्ट स्पेशलिस्ट भी आ गए, कार्डियोलॉजिस्ट आ गए, और उन्होंने इनके जो एग्जामिनेशन किया और एनजीओ, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इनके स्टेंट डलेगा, 100% ब्लॉकेज आई थी राइट आर्टरी में थी, मतलब मुझे एग्जैक्टली मेडिकल लैंग्वेज नहीं पता है, बट ही सेड कि दिस इज ऑलमोस्ट अ मिरेकल दैट ही हैज reached the hospital well within the time, and we can, you know, rectify this situation by putting a stent. तो तब इनके stent डला, और वो बिल्कुल ऐसे था, मैं सच बताऊं कि कहां हम एक पार्टी में गए थे और कहां हम enjoy कर रहे थे और कैसे ये हुआ. अगर normal course में अगर आप जानिए कि अगर वो चीज ने होना था और अगर हम घर में होते तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि कोई थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, परेशानी हो रही है, बंदा सो जाता है. और जैसे कि हम कितने तमाम तरह के एपिसोड्स और कहानियां सुनते हैं जिसमें कि बंदा सोया और उसके बाद किसी कारणवश वो उठा ही नहीं, ये वैसी ही कोई स्थिति, मतलब मैं विजुअलाइज करती हूँ कि हो सकती थी. और शायद मैं तो घर पे होती तो हमें तो शायद ये बातें स्ट्राइक भी नहीं करती जो कि उस टाइम पे इनके जो डॉक्टर फ्रेंड थे उन्होंने कहा कि नहीं हम इमीडिएटली इन्हें लेके जाएंगे. और ऐसी सारी सुविधाएं गुरुजी ने हमें मुहैया करा दी कि ये तुरंत ही, मतलब लेस देन 1 आवर आफ्टर ही गॉट दैट अटैक, हम हॉस्पिटल में थे और अच्छे डॉक्टर्स के हाथ में थे और इनको स्टेंट डाला. ऑफकोर्स वो एक तरह से इनके लिए एक वेकअप कॉल भी थी कि यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल, यू नीड टू बी मोर यू नो एक्टिव. और इस दौरान में जो इनका एक पार्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंट है बिकॉज दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गुरु जी. सो दैट इज व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू शेयर विद यू पीपल, ताकि हम सबको ये बात समझ में आए कि गुरु जी कहाँ कहाँ पर हमारे साथ रहते. पार्टी में वी वर डांसिंग एंड इट वाज क्वाइट लॉन्ग दैट वी हैड बीन डांसिंग एंड सडनली आई हैड अ पेन, देखो दर्द उठा. दर्द उठने के बाद मैं बैठ गया, डॉक्टर साहब जो मेरे मित्र हैं उन्होंने कहा कि कैसा महसूस हो रहा है, ऐसा पहले हुआ है? मैंने कहा नहीं पहले नहीं हुआ. मैंने कहा 5 मिनट मुझे बैठने दो, उम्मीद है ठीक हो जाएगा, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ सम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दैट. उन्होंने कहा 5 मिनट मतलब 5 मिनट. वो बाहर गए, अपना इधर उधर जो उन्होंने कॉल्स करके इंतजाम करने थे कर लिए, लौट के आए. आफ्टर दैट एज शी टोल्ड आई वाज मोर अनइजी देन बिफोर, वॉमिटिंग वगैरह हुई तो दे टुक मी टू द हॉस्पिटल. अब जब ईसीजी किया, ईसीजी खराब था, उसके बाद एंजियोग्राफी हुई. एंजियोग्राफी होने के बाद डॉक्टर लोग आपस में बात कर रहे थे तो उनमें से एक ने कहा कि MI का केस लग. इतनी मेडिसिन और बायोलॉजी मैंने खैर पढ़ी हुई थी कि आई कुड अंडरस्टैंड कि MI मींस मायोकार्डियल इंफार्क्शन, व्हिच इज द टेक्निकल टर्म फॉर हार्ट अटैक. दे वर सेइंग दैट दिस पर्सन हैज हैड अ हार्ट अटैक. सो आई थॉट थिंग्स आर टफ, और 100% ब्लॉकेज की बात हो रही थी, 195 वाज समथिंग लाइक दैट. सो आई न्यू थिंग्स आर टफ. देन एक ही तरफ ध्यान जाता है, एक ही तरफ दिमाग जाता है, एक ही तरफ दिल जाता है, रूह जाती है, सब एक ही तरफ जाता है, वो गुरु जी की तरफ जाता है. तो व्हाइल आई वाज मेड टू लाई डाउन ऑन अ स्ट्रेचर, जस्ट थॉट ऑफ गुरु जी, मैंने कहा गुरु जी आज मुलाकात हो रही है क्या? अब आपको लगे शायद ये मेरी कल्पना है या मुझे ऐसा लगा, लेकिन अगर कल्पना भी है, अगर ऐसा तसव्वुर भी है तो भी आई एम सो हैप्पी इट हैपेंड द वे इट हैपेंड. और कई जन्म तक याद रहेगा जो हुआ मेरे साथ. गुरु जी की आवाज आई, कोई मुलाकात नहीं हो रही, अपनी औकात विच रहो, जिथे हो, जो कर रहे हो उत्थे ही रहो, वही करते रहो, कोई मुलाकात नहीं हो रही, अपनी औकात तो उठ के गाल ना करो. वेल दिस वॉज there, she came and she said they are asking me to sign
a form, which is sort of indemnity that if something happens to you during the procedure, no responsibility comes on the doctors. It is a usual thing for doing a procedure by the surgeon. I said, you fearlessly sign it. Nothing is going to happen to me. The kingdom of which I am a small being, that kingdom has told me, the king himself has told me, I'm not going anywhere. Nothing is happening to me. I'm staying where I am. I'm continuing to do what I am doing already. So this is his command. So whatever job they do, it will get successful by his blessings. Then it happened. No problem, nothing at all. And heard of several such episodes that people ignored that. I would have even ignored if I was at home or I was in comfort of some other place. I would not have been next to a doctor. It was all by design, just to tell me that you have to mend your ways. You have to come out of the sedentary lifestyle. You have to start your activities again. And then one of those activities that were restarted brought me into contact of dear Sukrat Chopra uncle to you. I was in my institute and he happened to be studying that time. It was such a good fortune to meet his family, another very blessed family, and really grateful to all the Sangat. Anjana Didi, thanks to you. Above all, thanks to Guruji. Jai Guruji. जो शायद मैंने कभी किसी के साथ ऐसे शेयर करा नहीं, लेकिन वो मुझे मतलब उसका फुल ज्ञान है कि वो गुरु जी की कृपा है। तो जब मैंने पीएचडी के लिए एनरोल किया, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि काफी एफर्ट्स के बावजूद मैं पहले नहीं एनरोल कर पाई, करीब 5-6 साल मैंने कोशिश करी, और डीयू में पीएचडी के लिए एनरोल होना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो ऐसा जब गुरुजी ने एक बार इनको आदेश दिया, इनका पोस्टिंग हो गया था बॉम्बे, तो और दोनों बच्चे और मैं यहीं पे रह रहे थे क्योंकि मेरी जॉब डीयू में है, तो मेरा तो ट्रांसफरेबल है नहीं, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इनको गुरुजी ने कहा कि उन्हों नाल लेके जा। अब नाल लेके तो छुट्टी तो कोई मिलती नहीं है इतने लंबे समय के लिए, और मुझे भी समझना है। तो मुझे एक ही बात स्ट्राइक करी कि गुरुजी बार बार पीएचडी का फुल फॉर्म भी पूछते हैं, और हो सकता है कि गुरुजी की कृपा से मुझे इस बार मिल जाए एडमिशन। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन ये सच है कि जिस चीज का प्रयास मैं पिछले 6-7 साल से कर रही थी, उस बार मैंने अपना जो सिनॉप्सिस बनाया और मैं लेके डिपार्टमेंट गई थी अपने, और डिपार्टमेंट में जो मैंने जब शेयर किया एक प्रोफेसर के साथ, तो उन्होंने बोला कि ये तो मेरा एरिया नहीं, तो मैं तो आपको करा नहीं पाऊंगा। और उसमें सीट्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होती है, अब तो उन्होंने एंट्रेंस के थ्रू कर दिया है तो डिफरेंट हो गया है, लेकिन पहले आपको एक मेंटोर अपना या सुपरवाइजर चुनना पड़ता था जिसके अंडर आप काम करते। तो उन्होंने ऐसे कहा कि ये तो इतने दिनों से जो मैंने मेहनत करी हुई थी सिनॉप्सिस पे, उन्होंने सडनली कहा कि इस पे मैं नहीं करा पाऊंगा, दिस इज नॉट माय एरिया। और सुन के मुझे बहुत निराशा हुई, और मैं उठी और मैं ऑलमोस्ट दरवाजे तक चली गई थी, तो उन्होंने मुझे आवाज लगा के कहा कि अगर तुमको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो ये कुछ नए एरियाज हैं जो इवॉल्व हो रहे हैं, और आप चाहो तो इनके ऊपर काम कर सकते हो। तो मैंने वो टॉपिक्स देखे, बिल्कुल नए टॉपिक से, उस समय में कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो था काफी नया टॉपिक इमर्ज कर रहा था, एंड दिस इज लाइक 2004। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं इसके ऊपर काम कर लूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप काम करो और हफ्ते भर में सिनॉप्सिस तैयार करो, मतलब जिस सिनॉप्सिस को हम तैयार करते हैं 8-9 महीने लगाकर, वो सिनॉप्सिस मैंने हफ्ते भर में तैयार किया और मैंने वो सबमिट किया, एंड विद इन अ वीक उसका उसके बेसिस पे इंटरव्यू होता है और मेरा सिलेक्शन हो जाता है पीएचडी के लिए, विच वाज आई टेल यू मतलब इट वाज रियली अ मिरेकल, जो नहीं हो सकता था बट मतलब हुआ। और मेरा एनरोलमेंट होता है, देन आई अप्लाई फॉर पीएचडी लीव, हमें स्टडी लीव मिलती है जो कि फुली पेड लीव होती है, और हमारे
प्रोफेशन में लोग लेते हैं, लेकिन कई बार होता है कि वो भी नहीं मिलती है क्योंकि एक 10% का गैप का लिमिट है कॉलेजेस में, कि अगर ऑलरेडी 10% स्टाफ लीव पे चल रहा है तो आपको नहीं मिल सकता. बट एज थिंग्स हैड टू गो द वे दे हैड टू, तो मुझे वो लीव भी मिल गई. मैं 10% कैप का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और मतलब इन लेस देन 1.5 months मेरा सब कुछ क्लियर हो गया. मेरे को लीव भी सैंक्शन हो गई, ये भी हो गया कि PhD का वो भी प्रपोजल भी पास हो गया. अब मुझे परसू करनी थी सिर्फ, तो परसू करने के लिए गुरुजी ने इनको पहले ही कह दिया था कि इन्हों ना लेके जा, ये आए और हम लोग बॉम्बे चले गए. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, हम बॉम्बे में इट वॉज रिलेटिवली ईजी फॉर मी टू परसू माई PhD, क्योंकि हमारे कोई बहुत ज्यादा वहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशंस नहीं थी, सो टू से. आई मीन आई हैव टू एडमिट कि जब आप PhD करते हैं तो आपको बहुत चीज़ों से अपने आप को हटाना पड़ता है, क्योंकि ये एक लॉन्ग ड्रॉन डिग्री है जो कि काफ़ी एफर्ट के बाद ही मिल पाती है. और जो उसमें सबसे रिमार्केबल चीज़ है वो ये है कि मेरी PhD बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में मैंने कंप्लीट करी विद गुरुजीज ब्लेसिंग्स, और मेरी डिसर्टेशन पे गुरुजी के साइन भी हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही प्राइसलेस चीज़ है, जो मैंने गुरुजी से ब्लेस करवाया था जब मैं कंप्लीट करी, मैंने सबमिट करी. तो और जो मैं जो शेयर करना चाहती हूँ वो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी कि हर PhD का एक वाइवा होता है लास्ट में. तो जब ये मेरा वाइवा होना था और मैंने तैयारी सब कर ली थी और मैं वहाँ अपने डिपार्टमेंट में मैं बैठी हुई थी, और ऐसे पूरा एक पैनल बैठा होता है और पीछे जितने एस्पायरिंग PhDs या जो पहले PhD करके जा चुके हैं MPhil के स्टूडेंट्स, वो सब बैठे होते हैं. तो आपका वाइवा शुरू होता है. तो मेरा वाइवा हुआ एंड इट वॉज अ वेरी स्मूथ वन. मतलब बहुत, मुझे खुद बहुत लगा कि मैं बहुत आसानी से सवालों के जवाब दे पा रही थी और कॉन्फिडेंटली दे पा रही थी. और जब मेरा वाइवा ख़त्म हुआ तो जो मेरे एग्जामिनर आए हुए थे, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे आके कहा कि जब आप अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो मुझे ऐसे लगा कि आपके पीछे कोई डिवाइन फॉर्म कुछ खड़ी हुई थी. मुझे ऐसा एहसास हो रहा था. तो आई कुड नॉट बिलीव, क्योंकि उनको तो कुछ भी नहीं पता है कि भाई हम कितने गुरुजी के फॉलोअर हैं, या उनसे तो मेरी कोई बातचीत ही नहीं हुई थी. दैट वॉज द फर्स्ट इंटरेक्शन आई वॉज हैविंग विद हिम. और उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि आपके पीछे कोई डिवाइन फॉर्म थी और एंड इट वॉज ब्लेसिंग यू. तो मेरे लिए ये मैंने किसी के साथ ज्यादा शेयर नहीं किया, सिर्फ सेठी अंकल को पता है. तो मैंने तब उन्हें बताया कि इनफैक्ट हमारे गुरुजी हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा अपने जीवन का एक अहम, हम समझते हैं कि हमारा कुछ भी कंप्लीट नहीं है जब तक वो नहीं होते हैं. तो या हम उनको याद कर रहे होते हैं, हर मोमेंट याद कर रहे होते हैं. तो उन्होंने कहा कि आई कुड फील कि ही वॉज वेरी मच देयर वेन यू वर गिविंग योर वाइवा. और फिर मैं अपनी PhD खत्म होने की सबमिट हो गई, अवार्ड हो गई, फिर मैं गुरुजी के पास लेके गई, गुरुजी ने उसको साइन किया. और तो मेरे लिए ये PhD का होना ही जो गुरु, और गुरुजी ने इतने रिकॉर्ड टाइम में करवाई कि मेरा पागल होने का डर भी नहीं रहा जो कि गुरुजी हमेशा कहते थे. तो मैंने 2 years और 8 months में मैंने कम्प्लीट करी, विच वॉज रिकॉर्ड टाइम ड्यूरिंग दोज डेज. लोग अक्सर 5 साल 8 साल रजिस्टर कराना, दोबारा से एक सेकेंड राउंड में PhD सबमिट कर पाना, तमाम तरह की डिफिकल्टीज. और मैंने ये सब गुरुजी की कृपा से, जब मेरे दोनों बच्चे एक 2 साल का और एक कुछ ही महीने का था, मैंने तब से स्टार्ट करी. और विद ऑल दोज यू नो ऑब्लिगेशंस ऑन मी, जो कि गुरुजी ने मुझे स्पेशल पावर से ब्लेस किया, आई वॉज एबल टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स. तो मैं दिल्ली आती थी बीच बीच में, अपना काम दिखाने के लिए आती थी अपने सुपरवाइजर को, एंड ही वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ वर्क था, ऑफकोर्स अंकल सेठी अंकल भी मुझे बहुत हेल्प करते थे मेरे उस काम में, लेकिन मैंने बहुत रिमार्केबल वर्क है वो उस टाइम का PhD का मेरा.
तो वो सब गुरुजी की कृपा से सक्सेसफुली मैंने उसको कंप्लीट किया। तो ये मेरे लिए जो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन होती है फॉर प्रोफेसर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी या फॉर यूनिवर्सिटी फॉर दैट मैटर, तो मैंने वो बड़ी आसानी से प्राप्त करी विद ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। तो थैंक यू गुरुजी फॉर दैट स्पेशल ब्लेसिंग। और देयर आफ्टर वो मेरा एरिया भी बन गया है स्पेशलाइजेशन का, जिसमें मैं काफी काम करती हूँ और कर रही हूँ। तो वो विद गुरुजीज ब्लेसिंग्स, ये मेरे लाइफ जर्नी का एक अहम हिस्सा है, प्रोफेशनल एस्पेक्ट है जो कि ये मैं आपके साथ शेयर। क्योंकि आज आपके लिए न्यू ईयर ईव है, दिस इंसिडेंट बिलोंग्स टू अनदर ईयर्स न्यू ईयर ईव। तो उस दिन क्या हुआ कि एक मित्र थे हमारे साथ में, उन्हें थोड़ी सी टेंशन थी कि भाई अगले दिन ऑफिस पहली तारीख को पहुंचना है और टाइम पे पहुंचना है। एंड आप सब लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि भाई गुरु जी के दरबार में जब नया साल मनाया जाता है तो कैसे होता है। बहुत बड़ा कोई प्रयोजन नहीं था, एम्पायर स्टेट में ही हो रहा था और दैट्स नॉट अ वेरी लार्ज प्लेस, बट ठीक है कि बारी बारी से सामने वाले प्लॉट में लंगर सर्व हो रहा था, लोग लंगर कर रहे थे और उसके बाद छुट्टी लेके जा रहे थे। तो ऐसा हो गया कि करीबन 11:30-12 का समय होगा, हम लोग लंगर के लिए लाइन में लगे थे। लंगर किया करने के बाद अब क्योंकि उन मित्र का प्रेशर था कि भाई उनको दफ्तर पहुंचना है अगले दिन, समय से पहुंचना है और मन में दुविधा, भी छुट्टी तो डिक्लेयर नहीं हुई थी अभी कि भाई सबकी छुट्टी हो गई, और पुराने रूटीन के हिसाब से ये था कि भाई आप लंगर कर लिया जाके चरण स्पर्श करो, छुट्टी मांगो, गुरुजी छुट्टी करेंगे तो आप चले जाओ। तो अब वो मेरे पीछे बार बार की यार यहीं से हाथ जोड़ लो, यहीं से हाथ जोड़ लो, यहीं से हाथ जोड़ लो। अब एक तो होता है गलती करना, दूसरा होता है कि गलती का एहसास होना, और तीसरा होता है कि गलती की सजा मिलते हुए पूरी तरह से एहसास होना कि आपने कितनी गलती की थी, उसकी कितनी सजा मिली। तो एक हमारे और जानने वाले थे, वो अभी लाइन में लगे हुए थे लंगर करने के लिए, उनसे बात हुई कि भी हमने कहा भाई आपको तो लगेगा अभी 1.25 घंटा करीबन लगेगा जब आप लंगर करके फ्री हो पाएंगे। तो अब मित्र के प्रेशर में हमने कहा कि चलिए ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। हमने वहीं से खड़े होके नमस्कार किया, मन में माफी मांगी कि गुरुजी छुट्टी लेने अंदर नहीं आ पा रहे हैं, और हम और हमारा मित्र हम गाड़ी से निकल पड़े। और निकले हैं तो धुंध बहुत थी, आज सुबह भी धुंध थी, उस दिन भी धुंध बहुत थी, रात का समय था करीबन 12:15 का। तो चलते चलते जैसे मेहरौली जाके देन वी टर्न टू गो टूवर्ड्स एम्स और फिर वहां से घर आने का होता है, तो एक टर्न पहले धुंध के कारण मुड़ गए। मुझे कोई ड्राइविंग का, आपने सुन लिया मेरा प्रकरण कि किस तरीके की ड्राइविंग करता हूं मैं, तो मित्र थोड़े एक्सपर्ट तो वो आगे चल रहे थे, मैं फॉलो कर रहा था। तो एक मोड़ पहले मुड़ गए तो द रोड इज गोज टू फरीदाबाद, उस पे मुड़ने के बाद में मैं उनके पीछे पीछे मुड़ गया और थोड़ी आगे जाके मुझे एहसास हुआ कि शायद गलत आ गए हैं। आई कॉल्ड हिम ऑन हिज मोबाइल, कहता है हाँ लग तो रहा है। मैंने कहा फिर रोक के किसी को पूछिए, पूछा तो पता चला कि भाई अभी 3-4 किलोमीटर आगे यू टर्न मिलेगा, वहां से लौट के जाना है आपको, एंड रिट्रेस द होल पाथ, टेक अ राइट टर्न एंड देन मेहरौली आने पे आप राइट टर्न कीजिए। तो ये पूरी प्रक्रिया की और होल प्रोसेस टुक अस अनदर हाफ एन आवर, एंड बाय द टाइम हम जाके मेहरौली की रेड लाइट पे खड़े हुए हैं तो कुछ आसपास की गाड़ियों में ड्राइव करने वाले लोगों के चेहरे देखे, तो हमारे से थोड़े से आगे वो तीसरे व्यक्ति थे जिनसे हमारी निकलने से पहले भेंट हुई थी और जिन्हें देख के हमने अंदाजा लगाया था कि इनको अभी 1.25 घंटे से 1 घंटा तक और लगेगा लंगर करके और छुट्टी लेने में। और उन्होंने बताया गुरु जी ने तो वहीं से सबकी छुट्टी कर दी, लेकिन बेईमानी हमने की ना,
कि जब तक आदेश नहीं हुआ था उससे पहले हम बाहर से हाथ जोड़ के माफी मांग के निकल लिए, तो जो पनिशमेंट का एक्सटेंट था वो भी पता चल गया कि मानने वाला हमसे 45 मिनट बाद निकलता है तो भी हमारे से 10 गज आगे खड़ा हुआ। तो मानना बेहद जरूरी है, आदेश में रहना बेहद जरूरी है। और कोई बहुत ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई जप तप पूजा पाठ व्रत इन सब का कोई है नहीं गुरुजी के दरबार में प्रावधान, लेकिन मानना बेहद जरूरी है, श्रद्धा रखना और आदेश पालन करना बहुत जरूरी। इसी का से कुछ समय पहले की बात बताता हूँ कि एक वक्त था एक दो लोगों को हमने गुरुजी जैसे मजाक में कहते थे, एक दो लोगों को हमने देखा कि वो लोग तब 9:30 बजे लंगर रख दिया जाता था कहते गुरुजी के सामने और उसके बाद सर्व कर दिया जाता। एक दो लोग जैसे उससे कुछ समय 10-5 मिनट पहले आए या फिर शुरू होने के बाद आए, तो गुरुजी कहते आ गए हो लंगर करण। तो उन लोगों को बड़ी ग्लानी महसूस होती थी, बड़े शर्मिंदा होते थे कि भाई जिनको घुसते ही गुरुजी ने कह दिया आ गए हो लंगर करने, कि जैसे वो सिर्फ लंगर करने आए हैं। उस चीज से बड़ा डर लगता था कि, और हम लोग चूंकि दूर रहते थे तो कई बार होता था कि लेट हो जाते थे। तो एक दिन मैंने ऑफिस में विचार बनाया कि चलो आज मैं यहीं से चला जाता हूँ, और शुरू शुरू के दिन थे यानी कि 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ, 99 से भी पहले की। तो मन में दुविधा कि कहीं ये कटाक्ष हम पे ना हो जाए, ये ना कहने सुनने को मिल जाए कि आगे वो लंगर करने उतना लेट हो जाऊं। अब मन में ये भी है जाना है दर्शन करने हैं, और डर भी है कि ये ना हो जाए। तो मैं सोचा कि अगर इस पॉइंट पे इतने बजे तक पहुंचा तो चला जाऊंगा, और आईआईटी गेट तक इतने बजे तक नहीं पहुंचा तो नहीं जाऊंगा। ऐसे करके मन में दुविधा विचार उलझन कि ऐसा होगा तो ऐसे करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसे करेंगे, करते चले जा। और जाते जाते अचानक से क्या देखते कि एक गाड़ी आगे जा रही और ऐसा प्रतीत हो रहा है गुरुजी चला रहे हैं। तब तक इतना नहीं पता था कि गुरुजी ड्राइव नहीं करते, गुरुजी कभी ड्राइवर सीट में भी नहीं बैठते हैं और एक पर्टिकुलर सीट के ऊपर ही बैठते हैं गाड़ी में, वैसा तब तक मालूम नहीं था। मैंने देखा और मैं बार बार देखूं, मेरे को मन में आए गुरुजी चला रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि जब गुरुजी ही इस समय जा रहे हैं तो अभी मैं भी उसके 2-4-5-10 मिनट बाद पहुंच जाऊंगा तो कोई कटाक्ष नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस वो गाड़ी के पीछे चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे हैं, ये सोच के कि भाई लेट नहीं हो ही नहीं सकते लेट आज कैसे, जब तक गुरुजी गद्दी पे नहीं बैठेंगे तब तक लेट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और जैसे ही वो बैठेंगे हम भी पहुंच जाएंगे। अब एक जगह पे जाके वो गाड़ी किसी दिशा में मुड़ गई, हमें ट्रेस नहीं हो पाया। मैं जाके गाड़ी लगाई और गए, तो गुरुजी ने तो क्या कहना था, बाहर ही किसी संगत ने कह दिया आ गए हो लंगर करने, कि भाई नहीं गुरुजी खुद लेके आए हैं आज तो। मैं कहा गुरुजी ऐसे से ड्राइव कर रहे थे, कहते नहीं गुरुजी तो यहाँ बैठे हुए हैं और गुरुजी तो कभी ड्राइव नहीं करते, तुम क्या बात कर रहे हो। लेकिन उन्होंने राह दिखानी थी, उस दिन किसी तरीके से ब्लेस करना था, बुलाना था, तो दुविधा उलझन और इनडिसिशन को दूर करना था, तो इस तरीके से कर दिया। तो दोनों इंस्टेंस बता दिए कि दुविधा दूर कैसे होती है और हेरा फेरी करो तो कैसे सजा मिलती है।